किशनगंज थाना पुलिस ने अपहरण और लूट के एक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला अरुण नामक युवक से जुड़ा हुआ है, जिसे आरोपी 14 अक्टूबर को अपहरण कर कार में डालकर ले गए और उसके साथ मारपीट की। उसका एटीएम और पर्स भी छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ 2 कारें भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 2 पर अलग अलग थानों में और भी मामले दर्ज हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में आरोपियों से और भी कई मामले खुल सकते हैं। 14 तारीख को एक लड़का मूल रूप से यहीं का है, जयपुर जॉब करता है, उसको बुलाया। बुला करके कार में बैठा के कैड की तरफ ले गए, उसके साथ मारपीट की। मारपीट करके उसका मोबाइल, उसने बात करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी छीन लिया। उसका एक पर्स था जिसमें एटीएम कार्ड, आधार कार्ड थे, वो इन्होंने छीन लिए और शास्त्री नगर की तरफ छोड़ के चले गए। इनमें से एक आरोपी है, इसके बाप को 1 साल पहले उसने मारपीट की थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये किया। उसको ज़बरदस्ती कार में बैठा के ले गए, उसके साथ मारपीट की, उसका मोबाइल पर्स छीन लिया। अभी ये 5 लड़के इसमें गिरफ्तार किए हैं, आज फेस करेंगे। इनका कोई पुराना एक दो लड़के का पुराना रिकॉर्ड भी है इसमें, मारपीट के मुकदमे पहले के भी हैं 2 लड़के के। बाकी ये 1 साल पहले आपसी रंजिश को लेकर ये वारदात की इन्होंने।